नमस्कार दोस्तों, हंगरी स्पिरिट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको बताएंगे, यानी कि हमारी टीम जिसमें बाबा तोप, मैडम बबीता और गुलाटी साहब हैं, बताएंगे कि मनवीर ने आखिर किस बात के लिए मुंह खोला। क्या हुआ मनवीर को ऐसा जो आज वो? मैडम मैं बताता हूँ, देखो सारी की बात सबसे पहले तो मनवीर को जितने किस बात पे मुंह खोला ये तो मैं भी बता सकता हूँ। देखो वही खोला होगा वो लड़कियां नीतिमा को। आप चुप रहो, बड़ों की थोड़ी रिस्पेक्ट किया करो। गुलाटी सब बता रहे तो बताने दो। हाँ भाई गुलाटी, अगर तेरे को ज्यादा पता है तो तू बता ले भाई। नहीं आप नाराज मत हो बाबा। तो हाँ बाबा तो बताइए। गुलाटी साहब को भी पता है, बट हम सबको ही पता। वैसे तो हम सब इसी चीज के लिए आए हैं, बट आप शुरू कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो ये कामिया पंजाबी के साथ मनवीर गुज्जर का जो बड़ी देर से ये चल रहा था, अब सोशल मीडिया में इधर उधर बातें चल रही थी रिलेशनशिप के बारे में है ना, रिलेशनशिप तो उसके बारे में मनवीर गुज्जर ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। उसने फाइनली स्टेटमेंट दी, लोगों को बताया कि भैया ये एक्चुअली है क्या। हाँ ये बात सच है। वो कहते हैं हम दोस्त हैं, इस बात का शोर मचा रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ अभी आप भी चुप करो ना बाबा, तो बता रहे थे उनको बता रहे दो। चलो ठीक है बाबा। हाँ, तो आप बताओ। देखिए मनवीर गुज्जर ने आके, देखो ये तो पहले पता है कि जब बिग बॉस 10 के टाइम पे मनवीर गुज्जर और कामिया पंजाबी उसके बाद में काफी एक साथ घूमते दिखाई देते थे, एक साथ मतलब पार्टी करते दिखाई देते थे, लोगों ने काफी लोगों में इस बात की चर्चा थी। हाँ पर बाबा तो वो तो मनवीर तो नीतिबा के साथ काफी इंटीमेट था, मतलब कामिया पंजाबी से ज्यादा बिग बॉस 10 में वो नीतिबा के ज्यादा नजदीक था। लगता था शक्ल से कि उसको यार पसंद करता है। हाँ यही मनवीर गुज्जर ने भी कहा। मनवीर गुज्जर ने कहा कि यार पार्टी तो मैं नीतिबा के साथ भी करता था, लोगों ने पहले मेरा नाम नीतिबा के साथ जोड़ा है ना, लोग कहते मनवीर की जगह नितवीर कहते थे। हाँ गुलाटी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। मोना बोल रहे हैं। मोना लीजा के साथ भी जोड़े लोग। गुलाटी साहब इतना मत डरिए, हम लोग भी बोलने आए हैं, कल बाबा तो थोड़ी बोलने जाएंगे। हाँ भाई आपके पास कोई बात है तो आप बोलो। गुलाटी साहब आप खुल के बोलो। हाँ वो ऐसा ये मैं भी पढ़ रहा था तो उन्होंने मनवीर गुज्जर ने बोला कि उसने लड़की ने हम मेरी मदद बहुत की, एक्चुअली मैं उसका देना नहीं दे सकता। किसने? मोनालिसा ने? नहीं, इसने अपने कामिया पंजाबी ने। मैडम बबीता आप बात को मजाक में मत दीजिए, ये सीरियस इशू है क्योंकि किसी के करैक्टर के ऊपर बात हो रही है। हाँ भाई तो उसने ओ मनवीर गुज्जर ने कहा कि जब ये जरूर है कि ये कामिया पंजाबी ने उस टाइम पे मेरी इतनी हेल्प की जबकि मैं बिग बॉस में नया था, तो इसने आके सबसे पहले तो दर्शकों को ये बात बता दें कि कामिया पंजाबी ने बिग बॉस में जब वो आई थी गेस्ट बन के तो उसने ये बोल डिक्लेयर किया था कि मनवीर गुज्जर जो है ये बंदा बिग बॉस बनेगा, बिग बॉस का फाइनल विनर ये होगा, उसने बस बोला था। है ना, तो ये तो साफ साबित करती ना, तो वहीं से चिंगारी भड़क गई थी ना। चिंगारी उससे पहले भड़की होगी तभी तो उसने सब बोला गुलाटी साहब। हाँ भाई तो मनवीर ने बोला कि ये कामिया पंजाबी उस समय मेरे घर वालों को मिली, मेरे घर वालों को क्योंकि कुछ उनको पता नहीं था तो वो, हाँ तो उनको उनकी इंटरव्यूज ली, वो कलर टीवी को एंड मोल को टैग की और मेरे घर वालों को, हम लोगों को तो सोशल मीडिया पे अकाउंट भी नहीं थे, फेसबुक ट्विटर हमको पता नहीं था, तो उसने मेरा भी हमारा अकाउंट बनाई इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो हमारी जो सब चीजें उसने लोगों को आगे पहुंचाई। ये कामयाब पंजाबी ने किया। हाँ तो इतनी मेहनत आदमी क्यों करता है बताइए। हाँ, तो सही, किसी और को लिए कर ली कोई बात होगी तो किया तभी क्या। पर आप ये तो सोचिए, दोस्ती में भी तो ऐसा करते हैं लोग, ऐसा क्यों? उसने भी तो कितना सपोर्ट किया मनवीर गुज्जर ने जब इसका अवार्ड था। हाँ यही मनवीर गुज्जर ने बोला तो कि जब उसकी बारी आई तो फिर मैंने भैया सपोर्ट किया उसको दिल जी लगा के, तो इसलिए उसने कहा कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। चलो जी ये भी अच्छी बात है बाबा, तो अच्छे फ्रेंड्स ही रहे तो भी अच्छी बात है। शुरू होती है ना, आपकी होगी दोस्ती से शुरू बात है, तो आप दोस्ती करोगे तो होगी ना। मेरे साथ हर बात मेरे साथ ही शुरू करनी है आपको, मैडम के साथ शुरू कर लो दोस्ती की बात।
चलो भाई और खबरदार मैडम के साथ नहीं शुरू करनी। अच्छा आप लोग बात से भटकिए मत, क्योंकि अभी जैसे बाबा तो आपने बताया कि वी आर जस्ट फ्रेंड, तो वी आर जस्ट फ्रेंड को ही हम लोग सच मानते हैं, क्योंकि मनवीर हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट है और कामया पंजाबी को भी हम पसंद करते हैं। तो कोई फ्रेंडशिप में जीना चाहता है तो हमें कोई हक नहीं बनता उनकी फ्रेंडशिप को अपना कोई टैग देने का, और यही हंग्री स्पिरिट्स की क्वालिटी है, क्योंकि वो जो जैसा होता है उसको वैसा ही रखते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड या माइनस नहीं करते हैं। तो दर्शकों आप लोग भी हंग्री स्पिरिट्स के साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कि आप बताइए कमेंट करके फ्रेंड है कि इससे ऊपर है। बाबा तो अपनी चलते हटते। चलो सब मिलके बोलो थैंक यू थैंक यू।